Hi beauties, welcome to my channel. If you are new to my channel, please take a moment to subscribe my channel and side में जो bell icon है उसको भी थोड़ा सा hit कर देना ताकि मेरे upcoming videos के notification आप तक easily पहुंचते रहे। चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं CCG Cosmetics के Skinny Dip Hyaluronic Water Gel के बारे में। ये रहा product, आप लोग देख सकते हो ये इसकी packaging है, simple सी cardboard की इसकी packaging है और इसका MRP लिखा हुआ है 550 और इसमें 100 ग्राम की क्वान्टिटी है। मैंने इसको Amazon से लिया था और इसका प्राइस पड़ा था 250 नियर अबाउट। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो चेक जरूर कर सकते हो। चलो हम लोग इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिंपल से कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, इसी तरह से क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। ये व्हाइट कलर का है, आप लोग देख सकते हो। ये रहा, चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है CCG Cosmetics क्लीन ग्रीन एंड गॉर्जियस स्किनी डिप हायलुरोनिक एसिड वाटर जेल। इसमें एक अच्छी बात है, अगर आप लोग हायलुरोनिक एसिड खरीदते हैं मार्केट से तो आपको क्या मिलता है, हायलुरोनिक एसिड के साथ विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है या फिर कुछ ना कुछ एडेड मिलता है, पर इस वाले के साथ आपको ऐसा कुछ भी एडेड नहीं मिलता, आपको कम्प्लीटली हायलुरोनिक एसिड मिलता है। दिस इज अ गुड थिंग। चलो इसमें देख लेते हैं पैकेजिंग में और क्या क्या लिखा है। पैकेजिंग में लिखा है सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप, क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, ये सब इसमें लिखा हुआ है। एंड चलो इसको खोल के देख लेते हैं। आहा, इसका स्मेल माइंड ब्लोइंग है, इसका स्मेल बाहर तक आता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। बस यही इसका एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज गुड। और इसको खोलने के बाद आपको इस तरह से वाइट एक लिड मिलता है जिसको खोलना और प्रॉब्लमेटिक। मुझे पता नहीं है सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस तरह के लिड क्यों देते हैं, और सामने ये जो ग्रिप करने वाला है इसको जितना भी घुमाओ या कुछ भी करो ओपन तो होता नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों देते, इसकी जगह कुछ और देते तो वो ज्यादा बेटर रहता। एनीवेज इसको ओपन करते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया, बिल्कुल जेल है, ट्रांसलूसेंट जेल है। उप्स, गिर भी गया। चलो अभी इसके टेक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल जेल वाली कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिए। एंड ये क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है आपके स्किन में, नियर अबाउट 2-3 मिनट के अंदर ही आपके स्किन में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इस हायलुरोनिक एसिड वाटर जेल के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आपके स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाता है एंड फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को दूर रखता है, एंड आपके स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जब भी आपका स्किन डिहाइड्रेट फील करता है ये आपके स्किन को फटाफट से मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है। जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट है, आप जब मर्जी इसको लगा सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है। आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, दिन में यूज कर सकते हो, रात को यूज कर सकते हो, कैसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप लोग मेकअप कर रहे हैं तो ये मेकअप के नीचे आप लोग लगा सकते, आप आपके स्किन में इसको लगा लीजिए, आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, हाइड्रेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मेकअप लगा सकते हो जिससे आपका मेकअप बिल्कुल क्रैक नहीं होगा। सच में बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, बट इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है और कुछ नहीं है, वो है इसका फ्रेग्रेंस। ओ माय गॉड, इसका फ्रेग्रेंस के बारे में मैं क्या बोलूं, इतना स्ट्रॉन्ग है कि क्या बताऊं मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है। ये बंद है तब भी मेरे पास फ्रेग्रेंस आ रहा है, इसका स्मेल आ रहा है। इसको खोलने के बाद तो मत ही बोलिए बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रेग्रेंस भरा हुआ है। मैं तो बस CCG Cosmetics को यही बोलूँगी, आपका ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा कम कर दीजिए, माइल्ड कर दीजिए, ताकि सबको इसको यूज़ कर सके। इसमें इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, जिनका सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है उन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगर इसका फ्रेग्रेंस माइल्ड कर देंगे तो बेटर रहेगा, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। मुझे तो पसंद आया, बस एक ही प्रॉब्लम है इसका फ्रेग्रेंस। मैंने CCG Cosmetics का एक और प्रोडक्ट यूज़ किया था, उसका नाम है रेटिनॉल सीरम, वो मुझे बहुत पसंद आया था। 10-15 दिन मैंने उसको यूज़ किया, उसके बाद ही मुझे रिजल्ट दिखने लगे, बहुत अच्छे से मेरा स्किन ग्लो करने लगा। वो मैंने पूरा ख़त्म कर लिया है और वो सीरम बहुत ही अच्छा है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। वो वाला सीरम मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा खरीदूँ, क्योंकि वो मेरे स्किन में बहुत अच्छे से सूट किया था, तो सोच रही हूँ खरीद ही लूँ। बट उस वाले सीरम का स्मेल बहुत ही माइल्ड था, पर इसका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल जवाब पूछना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे इस चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह का मैं स्किन केयर वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। चलो अभी के लिए बाय।